this is me, Taranjeet Singh, and I'm here at a place called Gawadar. Gawadar, a warm water, deep sea port. और उसके अलावा ये बिल्कुल पर्शियन गल्फ के माउथ पर वाक्या है. सो गवादर आने की दो वजह है. पहली वजह ये कि जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इकोनॉमिकल हब होने जा रहा है, ये गेम चेंजर क्यों है. उसके अलावा इसके अंदर क्या है अट्रैक्शन का टूरिस्ट के लिए, आने के लिए, देखने के लिए. एक्सप्लोर करेंगे गवादर को, देखेंगे क्या मौजूद है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं देख सकूँ, आपको दिखा सकूँ. एंड लेट मी टेल यू, गवादर जो मैं एक्सप्लोर करूंगा, जो मैं दिखाऊंगा, आपका एक ब्रॉड माइंड बनाएगा कि गवादर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका जिक्र इतना हो रहा है, सीपीए का इसके साथ क्या कनेक्शन है, और इसके अलावा इसकी ब्यूटी कितनी फैली हुई और कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां आप गवादर आके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं. विदाउट फर्दर डिले मूव ऑन. चलो दादा, अगर आप गवादर की बात करें, गवादर को एक अच्छा रोड कनेक्ट करता है. कराची से आप आएंगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी के जरिए भी, और इसके अलावा आप डिफरेंट बसेस भी एक्वायर कर सकते हैं. अच्छी बस सर्विस चलती है, एक फ्लाइट भी आती है ऑन डिफरेंट डेट्स फ्रॉम कराची टू गवादर एंड फ्रॉम गवादर टू कराची. गवादर में आपको खुश आमदीद. ये गवादर का जो पोर्शन है इसको वेस्ट बे यानी लोकल लैंग्वेज में पदीजेर कहते हैं. ये जो पॉइंट है आपको ये पूरा नेकलेस की तरह नजर आएगा, यानी यूं समझ ले गले का एक नेकलेस. एक साइड ओपन है, बिल्कुल सी है, और यहाँ से राउंडिंग करते चल दी अदर एंड तक घूम के जाता है, ब्यूटीफुल पोर्शन बन जाता है व्यू के लिहाज से. गवादर के पास अगेन नेचर के जहाँ बहुत से गिफ्ट्स हैं, उनमें से गिफ्ट ये भी है, इतना बड़ा व्यू पॉइंट आपको मिलेगा, और व्यू पॉइंट पर खड़े होकर आप नजारा ले सकते हैं. एक साइड पे रोड है, फ्यूचर में आप देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिकल हब बनेगा और बहुत सी चीजें यहाँ एस्टेब्लिश होगी, वो एस्टेब्लिश होगी जो कि लोग एंजॉय कर सके, खा पी सके, देख सके. सूरज के ढलने से पहले आप यहाँ वॉक करें, मजा आएगा आपको. और व्हाट एल्स आई कैन सी, आपको बोट नजर आ रही है, उसके अलावा बर्ड्स हैं यहाँ पे. और जो गवादर है एक्चुअली ये एक पट्टी है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे सी है, ईस्ट और वेस्ट बे कहते हैं. मैं जहाँ हूँ ये वेस्ट बे है. अ ब्यूटीफुल व्यू. मेरा नाम बिट्टू है. मेरा आज का पैगाम, मंशियात का इस्तेमाल, उम्र भर करो, साथियों माशर की जिंदगी अजाब, तलबा तालिबात की है हदफ, इदारों पर एक सवाल या निशान, नशे से नफरत, वक्त की जरूरत. अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तीन चार दिन का, पांच दिन का, अपनी गाड़ी पे आए या बस सर्विस से आए या फ्लाइट लेके आए. तो होटल भी आपको अच्छे मिलेंगे, खाने पीने के अच्छे रेस्टोरेंट मौजूद है. अगर आप मेरी तरह डाइटिंग करें फिर परवाह कोई नहीं, लेकिन अगर आप डाइटिंग नहीं करें, अच्छा खाना खाना चाहते, ट्रेडिशनल प्लस आपको कॉन्टिनेंटल खाना यहाँ मिलेगा. तो अगर आए जरूर आए, माई इन्विटेशन, तरनजीत सिंह.
गवादर की जो अट्रैक्शन है वो ये पोर्ट है। पाकिस्तान ने 1988 में एक स्मॉल पोर्ट बिल्ड करना शुरू किया जो 1992 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक मास्टर प्लान जो है वो कंसीव किया गया और उसके तहत पहला जो फेज कंप्लीट हुआ वो 2007 में था। तो उसके बाद ये समझ आने लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया तक, मिडिल ईस्ट तक एक्सेस पाकिस्तान का कितना ईजी हो जाएगा, इकोनॉमिकल कितनी ग्रोथ आएगी और कितना टाइम इफेक्टिव होगा। यदि कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान का अपना एक्सेस पूरी दुनिया तक, इकोनॉमिकल हो, ट्रेड का हो, ऑयल तक एक्सेस हो तो हो ही जाएगा। उसके साथ साथ चाइनीज चूंकि इसमें बहुत इंटरेस्टेड है और चाइना इसको बतौर एक सोर्स के मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो ट्रेड का फ्लो है वो यहां से बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आएगी। वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं होगी बल्कि बलूचिस्तान की भी होगी और उसके साथ बहुत से लोग एम्प्लॉय हो गए, चाइना इससे बड़ा फायदा लेगा। इसीलिए सीपैक का जो सेंट्रल पोर्शन है वो यही पोर्ट है और इस पोर्ट के ऊपर काम बहुत तेजी से जारी है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल फ्यूचर है वो इसी पोर्ट से लिंक है। इसलिए इसके ऊपर पूरी अथॉरिटीज काम कर रही है, एक सेंट्रल अट्रैक्शन है पाकिस्तानी पॉलिसीज का और चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो इक्वली पाकिस्तान का साथ दे रही है इस पोर्ट को और इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने में। गवादर की तरफ से हिस्ट्री की बात करते हैं, वैसे तो प्रोमिनेंट हिस्ट्री है, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है लेकिन हम पोस्ट से लेते हैं और वो ये कि 1783 में वाली ऑफ कलात नूरी नसीर खान ने तैमूर सुल्तान जो कि मस्कत के हारे हुए एक रूलर थे उनको ये गिफ्ट किया, दिया प्योरली फॉर रेवेन्यू पर्पजेस। उसके बाद जब वो मस्कत के रूलर बने 1797 में तो वो अपने रूल को कंटिन्यू करते रहे लेकिन जो गवादर था उसको वो इन्फ्लुएंस करते रहे, वो यहाँ के गवादर के जो गवर्नर होते थे उनको अपॉइंट करते थे। बीच में ब्रिटिश पॉलिटिकल असिस्टेंट का हेडक्वार्टर भी रहा और 1863 से लेकर 1879 तक ये ब्रिटिश पॉलिटिकल असिस्टेंट का हेडक्वार्टर और उनकी मूवमेंट का हिस्सा रहा। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान ने 1958 में ओमान के साथ एक डील के तहत गवादर को अपने पास कर लिया और 1977 में इसको हिस्से का दर्जा दिया गया और मकरान का हिस्सा बना। तो गवादर की इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और इस हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ लगता है कि गवादर को वाकई एक गेम चेंजर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहिए। So we have Abdurrahim from Gawadar Development Authority. Master plan क्या है गवादर का, क्या क्या build होने जा रहा है और कितने time में build होने जा रहा है? इसको international cities जो बनते हैं जैसा शेंजन सिटी है चाइना का, इसी का सेम मॉडल हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये होगा कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, स्मार्ट उसमें एनर्जी का सिस्टम होगा, स्मार्ट रोड नेटवर्क होंगे और स्मार्ट वाटर का सिस्टम होगा और स्मार्ट पीपल भी होंगे, लोग भी होंगे। तो ये कोशिश की है कि यहाँ पे इसको इकोलॉजिकल कॉरिडोर के तौर पे बनाए ताकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली माहौल हो, यहाँ ऐसे नहीं हो कि कराची की तरह कंक्रीट का जंगल हो यहाँ पे, बल्कि लोगों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें ताकि लोग बीमार ना हो और एक बेहतरीन माहौल में यहाँ पे रहें। अच्छा, ये जो करंटली जो सिटी है जिस तरह से आपको एक डाउन टाउन लग रहा है, छोटी छोटी गलियां हैं और जो पुराने लोग आबाद है, इसके लिए क्या सोचा गया, क्या इनको यहाँ से अपलिफ्ट किया जाएगा, दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या इन्हीं सी को ही रीएस्टेब्लिश करके रीएलोकेट किया जाएगा? इसके लिए नया जो मास्टर प्लान बन रहा है उसके लिए हमने ये रखा है कि ओल्ड सिटी को हम छेड़ेंगे नहीं, अलबत्ता उसको हम फिर मॉडर्न तरीके से बनाएंगे, उसकी गलियां जो हैं उसको मॉडर्न करेंगे, स्ट्रीट बनाएंगे उसके अच्छे से जो मॉडर्न सिटीज के बनते हैं, ताकि हमारा जो हेरिटेज यहाँ पे उसको हम प्रिजर्व करें वहां पे, प्लस फिर हम रोडें बनाएंगे,
और वहाँ पे गलियों को पक्का और ये जो पुरानी बाजार है शाही बाजार उसको भी मॉडर्न तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर के लिए हमने ये प्लान किया है कि डिसिमिनेशन प्लान लगा रहे हैं, 5 MGT का डिसिमिनेशन प्लान GDA लगा रहा है और दूसरे जो हमारे BDA का प्लांट है उसको 5 MGT का उसको भी फंक्शनल कर रहे हैं और दूसरा हमारे एक और प्लांट है जो उसमें लगा हुआ है संगार हाउसिंग स्कीम में वो भी फंक्शनल है। टूरिज्म के लिए कुछ सोचा गया है, कुछ स्पॉट डिक्लेयर करने को, कुछ टूरिज्म के लिए एक्टिविटीज जनरेट करने को? ये टूरिज्म के लिए बाकायदा जो नया मास्टर प्लान बन रहा है उसमें हमने पूरा पोर्शन रखा है टूरिज्म एंड रिक्रेशनल एक्टिविटीज के लिए और उसमें जो हट्स बनेंगे उसमें हार्बर बनेगा जैसा बोट राइडिंग करेंगे आप और ये हमने उसके अंदर प्रोविजन रखा है बाकायदा उस पर काम करेंगे अब। तो ओवर एंड ऑल हम ये कह सकते हैं कि जो मास्टर प्लान है गवादर का वो किसी भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है जिसमें सारे फेजेस कवर हो रहे हैं और इन सारे फेजेस से जहां लोग मुस्तफीद होंगे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वहीं पर रोजगार बढ़ेगा। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? दादाजी ठीक है? बड़ी अच्छी टोपी पहनी है जी। ये पुराना शाही बाजार है और यूं समझ लें कि ये ओमान का मथुरा बाजार है, उसका एक दूसरा एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं। दोनों में एक तरह की आपको तरज तामीर और आर्ट मिलेगा क्योंकि गवादर ओमान का हिस्सा रह चुका है तो यहाँ के लोग भी और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी ओमानी टच की अरबिक टच की आपको नजर आएगी। जो अरब इंस्पायर्ड कॉलोनीज है, जगह है जहाँ पे अरब के लोग गए हैं उनमें आपको थोड़ा सा पुराना मट्टी का काम और थोड़ा सा तंग गलियां नजर आएगी जिसमें गाड़ियां नहीं गुजर सकती पुरानी कंस्ट्रक्शन में और बाइक वगैरह गुजर सकती। तो मैं जहाँ मौजूद हूँ ये पुराना शाही बाजार है, अभी भी इफेक्टिव है, आपको लोग नजर आएंगे और हसल बसल होती है बाजार के अंदर और सेम किस्म का बाजार आपको ओमान में नजर आएगा जिसका नाम मथुरा है। सो ये दिखाना जरूरी था क्योंकि पुरानी जगह है, कनेक्शन रहा है ओमान के साथ, तो इसलिए यहाँ कुछ लोग थोड़े बहुत अरबी भी बोलते हैं और कुछ लोगों की रिश्तेदारी है एक्चुअली ओमान साइड पे और यहाँ भी है तो इंटर कनेक्शन तो रहेगा। इस जगह पे बहुत ऐसे लोग रहते हैं अभी भी इस गवादर के अंदर जिनकी रिश्तेदारियाँ ओमान साइड में भी है, बड़े पुराने लोग हैं, चाचा जी उनमें से एक है जो कि यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं पे काम करते हैं, समंदर पे काम चलता है इनका। उसके अलावा यहाँ के जो लोकल लोग आपको मिलेंगे वो बड़े प्यार करने वाले हैं, बलोची बोलते हैं लेकिन कुछ लोगों को अरबिक लैंग्वेज भी आती है और आपको अमूमन वेलकमिंग किस्म के लोग नजर आएंगे जो आपको हाल चाल पूछेंगे, चाय चाय को पूछेंगे और पुरानी गलियों के अंदर एक पुराना शहर है। वैसे तो ये ओवरऑल अगर आप बात करें गवादर खुला शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, आपकी आसमान और सूरज को बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको पुराना जो स्ट्रक्चर है, पुराने जो घर है, पुरानी जो कॉलोनी है उतना गलियां नजर आएंगी। बट उसका अपना ही मतलब उसके अंदर वॉकिंग अप करें, कुछ खाएं पिए मजा आएगा। दादा जी थैंक यू वेरी मच, आपकी टोपी का कल ही बहुत मजा आया, टोपी का मैं देखे हाँ तो हमारी तरबन है हमारी शान है। चले यहाँ चाय खाना कह सकते हैं उसको, चाय लोग पी रहे हैं और चाय तो हमारे यहाँ चलती रहती है, छोटे छोटे कप में लोग बैठे हैं, सवेरे का वक्त है सर और मॉर्निंग के बाद फिर यहाँ हैसल बसल शुरू हो जाती है।
और ये देखिए आपकी मेहनत है, और देखिए आपकी मेहनत है कि एक महीने में स्ट्रक्चर रेडी हुआ है और आगे जो है चार पांच महीने में ये किसकी कंप्लीट होगी। एंड दही हुआ, हम ये बात करना चाह रहे थे कि इस गवादर में लोग रोजगार से जुड़े हैं, तो किश्ती बनाना जो है जिसको हम बोट मेकिंग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और जैसे चाचा जी ने बताया कि 1500-2000 मजदूर लगे, उसके अलावा बहुत से ठेकेदार इस पे काम कर रहे हैं और मेहनत चाहिए। ये मुझे लगता है जैसे दो मंजिला इमारत होती है, नीचे लोग काम कर रहे हैं, ऊपर भी काम कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है। स्ट्रक्चर के अंदर फिलिंग होगी, मशीनें लगेगी, वो 5 मंथ्स। नॉर्मली इस साइज की किश्ती 4 से 5 महीने लेती है बनाने में। तो गवादर में एक इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रही है फ्लरिश। क्या बात है जी, यहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे हाइट पे, जहाँ से आपको पूरे मूवमेंट सी के अंदर होने वाली नजर आएगी, कितने बोट जा रहे हैं काउंट कर सकते हैं और एक अच्छा नजारा ले सकते हैं। ठंडी हवा चलती है हाइट पे, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। जो दो लैके आए हैं तकादे वास्ते लेके आए हैं, पैन वास्ते लेके आए हैं, पा लिया। एनीवे आपको यहाँ जो सबसे खूबसूरत पॉइंट मिलेगा वो ये कि आप हाइट की तलाश करें शाम के वक्त, तो सनसेट का जो खूबसूरत पॉइंट आप पकड़ लें वो आपका दिन की पूरी दिन की मेहनत का एक सिला होगा। तो मैं एक ऐसा पॉइंट पकड़ चुका जहां से मुझे पूरा खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है, दूर दूर तक जो कुछ हो रहा है सी के अंदर नजर आ रहा है, हाइट पे हूँ। उसके अलावा ये जो पीछे शहर का व्यू था ना, एक पट्टी जो है जिसको हम कहते हैं, वो भी नजर आ रही है। एक और अच्छा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर सनसेट का कोई बहुत ही खूबसूरत क्लोजअप वाला पॉइंट मिला तो आपको जरूर दिखाऊंगा। ट्रस्ट मी, दिस इज माय प्रॉमिस। जी क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा? जवाद। हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। जवाद किधर से हो? जवाद गवादर से। लो जी गवादर आए हैं, गवादर के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनमें से कुछ फैमिली यहाँ देखने आई है। ये तो रोजाना देखने आते हैं सनसेट को, हम कभी कभी आते हैं लेकिन आज ये मिल गए। क्या करते हो जवाद? पढ़ते हो ना? बाकी बात है। अच्छा अच्छा, मैं समझा क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो जवाब तुम्हें क्या आता है, कुछ सुनाओ मुझे ताकि पता चले कि तुम स्कूल जाते हो। बॉक्सर जमीन शादुबाद, किश्वर यकीन शादुबाद, तू निशाने अजमे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। वाह क्या बात है, क्या बात है, उसका मतलब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्कूल जा रहे हैं दोनों। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है सनसेट पे, आते रहते हो रोजाना?
بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، یہ نظارہ ہمیں بہت پسند آتا ہے، تو اس لیے روزانہ آتے ہو؟ ہاں. کتنی بار آتے ہو ہفتے میں؟ ہفتے میں 3-4 بار آتے ہیں، جمعہ کے دن زیادہ تر. اچھا تو دیکھیے وہاں میں ہی صرف اس کا قدردان نہیں ہوں اس سے نظارے کا، یہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس لوگ ہیں وہ بھی اس کے قدردان ہیں. یہ جو سن سیٹ ہے دی موسٹ بیوٹیفل سن سیٹ آئی ایور سو ان مائی لائف، اور اس کے بعد جو گلیئرز بنتی ہے آسمان پہ جو لیئرز چڑھ جاتی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے، اور اگر کبھی ہلکے ہلکے بادل ہو تو یہ نظارہ ڈبل نہیں ٹرپل نہیں 20 times بگڑ جاتا ہے، یہ میرا ماننا ہے. اپنا مزاج نہ عاشقانہ ہے نہ شاعرانہ، اس لیے یہاں پہ نہ شاعری یاد آ رہی ہے اور نہ کوئی بندہ یاد آ رہا ہے. اپنا مزاج تو بس 3 پوائنٹ پہ ہے، پہلا ایڈونچر، دوسرا بڑا ایڈونچر، اس سے بڑا، اس سے بڑا ایڈونچر. تو منظر کچھ ایسا ہے کہ بالکل سامنے سورج نظر آ رہا ہے، ڈھلتا ہوا سورج، بالکل کلیئر انوائرمنٹ ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے. میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اس مقام پہ آئیں، گوادر کے لیے ٹائم نکالیں، یہ سن سیٹ ضرور دیکھیں، یہ مس کرنے والا نہیں ہے. دس از دی بیسٹ سن سیٹ آئی ایور سو ان مائی لائف. دیکھا یہ دھرتی